गुड गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन। क्या हाल है भाई सब लोग? अरे थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग ए टू जेड सारी की सारी नेम्ड रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस है, कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ देम उनका रिएजेंट के साथ साथ हम लोग उसके जो क्या कहते हैं अपना मैकेनिज्म है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, वेलकम टू दिस सेशन। क्या हाल है भाई? हेलो स्वस्तिक, हेलो वेलकम। क्या हाल है भाई? यार तो बहुत सारी बातें चल रही है। हाँ भाई वैष्णवी, शुरू करते हैं सेशन। यार जितने भी फालतू लोग हैं, फालतू लोगों को इमिजिएटली बैन कर दीजिए, इनको कर दीजिए आप, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक, ठीक है? तो ज़िंदगी में कई बार फालतू लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। जब नहीं करते तब आपको आपका टाइम फालतू में वेस्ट हो जाता है, ठीक है? हेलो, क्या हाल है भाई? वैष्णवी, अनुज, डेमोन, नहीं डेमोन तो अलग बिजी है, अनु, सुमन, आकाश, पीयूष। हाँ भाई मिस, अच्छा रूबी वेलकम, यूसेफ हेलो। हाँ भाई क्या हाल है? जितने भी लोग रैंडम हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। हाँ भी आज थोड़ा सा हालत है टाइट, ठीक है? लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस देखने मिलेंगी, इस खुशी में आज थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बता दूँ, सारी की सारी रिएक्शन अपन एनसीईआरटी वाली लेंगे, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर अगर कहानी ले जाए तो कम से कम 20 से 25 और रिएक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है? अब वो उतनी ज़्यादा रिएक्शंस एक साथ डाल के कोई मतलब नहीं है, नीट में उनका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ भाई मुस्कान, क्या हो गया, क्या हाल है? हाँ तुम भी हो बिल्कुल। लेट क्यों वैष्णवी? यार डिनर डिनर नहीं हो पाया था मेरा, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है? हाँ भाई, यहाँ पे किंग जो है, किंग किंग को मैं कर दिया हूँ ब्लॉक, ठीक है? आप भी कर दीजिए। अब मैं तो एक बार ब्लॉक कर देता हूँ तो ब्लॉक हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है फिर। हाँ भाई आज का दिन पूरा टाइट चल रहा है ना? सही बात है। आई एम फाइन सुमन, थैंक यू सो मच। ठीक है, और भाई डेमन को भी ब्लॉक कर दो। जितने भी लोग रैंडम है ना उनको ब्लॉक कर दो, मैं बताते जाता हूँ, ठीक है? इनको ब्लॉक कर दो, फिर वो आपस में बात करते रहेंगे, ना उनको हमसे दिक्कत ना हमको उनसे दिक्कत, ये भी अच्छी बात है, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बीच में कभी बात करेंगे। एक एपिसोड है बड़ा खतरनाक सा इस कॉन्सेप्ट को लेके, कि जब आप किसी को ब्लॉक कर दो और वो ब्लॉक हो जाए, और जस्ट इमेजिन करो कि आप जिनको ब्लॉक कर रहे हो वो इंसान आपको रियल लाइफ में भी दिखना बंद हो जाए, ठीक है? सोचना इसके बारे में, क्या खतरनाक चीज़ हो सकती है। हाँ भाई पूर्वा, अरे शुरू करते हैं भाई, रुक जाओ, आ तो जाने दो सबको। कहाँ गए लोग? लोगों को मैसेज आ गया था क्या मेरा, सब लोगों को? हाँ भाई शुरू करते हैं फिर यार आज का सेशन। पीयूष का सवाल है, आप थकते नहीं क्या? यू आर ग्रेट। अरे कहाँ थकते नहीं भाई, पूरी तो थकी हाली हालत है। अभी खाना खा गया ना इसलिए मैं ज़्यादा ढीला पड़ गया, मैंने ये बात में मैं सोचा थोड़ा सा, यार एकदम से एनर्जी गायब हो गई ऐसा लगा, ठीक है? कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, है ना? तो वेलकम टू दिस सेशन, आई एम रोहित चौटाई, एंड साथ में मिलके केमिस्ट्री फोड़ते हैं। आप यहाँ आ गए हो तो फिर देखो भाई, अनअकैडमी चेक कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं अनअकैडमी पे, है ना? अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे, कोर्सेस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे। जल्दी से जाओ, एनरोल करो और फॉलो करो, ठीक है? अब ये तो सारे थे फ्री सेशन। कुछ सेशंस है जो कोर्सेस है जिनको आपको अगर अटेंड करना है तो इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का हेडेक झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है? सारे लोग वहाँ पढ़ने के हिसाब से रहते हैं तो उस चक्कर में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ बैचेस आज से शुरू हुआ है, शिखर बैच, मिशन नीट 2022, श्रेष्ठ बैच ये आज से स्टार्ट हुआ है, संजीवनी बैच 7 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब आपको अगर इन बैचेस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये आपको 65,000 का पड़ता है। आफ्टर यूजिंग माई कोड छोटाई आपको ये 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये पड़ेगा आपको 58,500।
टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये आज ले लेते हो तो आपको अनअकैडमी के सारे नोट्स घर पे डिलीवर मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू आरटीआई इंडिया 1 करोड़ पीपल इन इंडिया प्लीज सेफ। 1 करोड़ तक जाएगा क्या बोल रहा है? 1 करोना पीपल डेथ। अच्छा हाँ भाई, दिलशाद बोल रहा है नींद नहीं आ रही। अब नींद तो नहीं आ रही ना मेरे को, बस ये अपने लाइट को देख के थकान हो गई यार, इतनी देर से बड़बड़ करके थकान हो गई। अब तो मैं ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 मंथ्स पे 1 मंथ मिलेगा, 12 मंथ्स पे 2 मंथ मिलेगा एंड 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स मिलेगा। तो 12 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि है 38,500 का, आफ्टर यूजिंग माई कोड चोटाई आपको ये पड़ेगा 34,650 का, ठीक है। सिमिलरली 24 मंथ्स का आपको पड़ेगा 50,400 का, ठीक है। हाय हर्षिता, गुड इवनिंग, बढ़िया हूँ यार मैं। हाँ भाई, क्या हाल है सब लोग? अकॉर्डिंग आरटीआई ठीक है भाई, पढ़ लिया मैं। हाँ भाई, यहाँ पे क्या हो गया, सोनू को क्यों टेंशन में है, ठीक है। आकाश बोल रहा है प्लीज आंसर कीजिए, क्या आंसर करूँ, आवेदन ने कुछ लिखा डिलीट कर दिया। थैंक यू सो मच तुषार। इन द मार्स, थैंक यू सो मच अगेन। इस बहाने मार्स तो पहुंचे, ठीक है। संडे को होता है अनअकैडमी कॉम्बैट, एनरोल कर लो, ठीक है, और फोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री, ठीक है। चलो बोलो नको सर, नेम घेतात बायोलॉजी च्या क्लास मध्ये बोलत अकराला होणार आहे। हाँ भाई शरद, टॉपिक्स इन वन शॉट वीडियो विल बी कवर्ड इन 30 डेज कोर्स और नॉट? यस, ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन 30 डे। हेलो फैजान, निखिल वेलकम। अभी इनका चैटिंग के बारे में लिखा था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सब लोगों को अभी कुछ तो दिख रहा है आप लोगों के सामने। अरे 1 करोड़ लोग नहीं मरेंगे दोस्त अनुज, यार इतना टेंशन मत ले, हम लोग सेफ रहेंगे, तुम भी सेफ रहो, सब लोग सेफ रहो, ठीक है। घर पे रहोगे, पढ़ाई करोगे तो जिंदा रहोगे, ना खुद मरोगे ना दूसरों को मरवाओगे। बाकी इन लोगों की तरह बिजी है वो लोग भी बहुत सेफ है, ठीक है। थैंक यू सो मच पीयूष। अभी देख लो कुछ कुछ रिएक्शंस के नाम है, इन रिएक्शंस को आज हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके सारी रिएक्शन कवर करेंगे। अल्डॉल, बेयर विलिगर तो एक्चुअली है नहीं यार, ये कहाँ से आ गया बीच में? बेयर विलिगर चलो आ गया तो आ गया, आप कोई बात नहीं, लेकिन बेयर विलिगर आपका एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है नेटिव के लिए। चलो बाल श्रीमान, बर्च रिडक्शन भी नहीं है लेकिन मैंने ये जानबूझ के डालना है, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। कानित जारो, कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन नेम्ड में नहीं है लेकिन अच्छा रिएक्शन है तो रख लिया। क्लिमेंसन रिडक्शन, डायल जल्डार भी छोड़ सकते हो लेकिन चलो बता दूंगा, ठीक है। इटार्ड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन, फेटेग, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। प्राइज रीअरेंजमेंट तो हटाओ यार, ये तो है ही नहीं, प्राइज रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। गैब्रियल, थैलामाइड सिंथेसिस, गेटरमैन, गेटरमैन कॉच, हेल वोलहार्ड, जेलेंस्की, हिंसबर्ग, हंस डीकर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कोलबे। अब कोलबे की बहुत रिएक्शन है, अपन सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पता हो तो अच्छा है। रोजनमुंड, रेमर टिमान, साइंडमियर, शॉटेनबाउमन, स्टीफन्स रिडक्शन, स्वॉर्ट्स, टॉलेंस और फेलिंग्स की जो रिएक्शन है वो, विलियमसन सिंथेसिस और वुल्फ किशनर और वुड्स। अब इसमें कौन सी कोई रहेगी यार, इसमें कॉरी हाउस सिंथेसिस रहेगी लेकिन अगेन कॉरी हाउस सिंथेसिस अपने इसमें है नहीं, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड वगैरह जो है इनके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा। ग्रिगनार्ड के लिए भाई MS चौहान ने अगर ग्रिगनार्ड को अलग चैप्टर दिया है, हम एक सेशन नहीं ले पाएंगे, हैं जरूरी है बहुत लेना। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देगा? PYQ था ना, हाँ कार्बाइल अमाइन टेस्ट को लेके। हाँ भाई थैंक यू सो मच। दिलशाद पी लिया। हाँ भाई जयंत, क्या हाल है, अच्छा हो गया आ गया। हर्षिता क्या बोल रही थी? ये सीक्वेंस तो जाना पहचाना सा लगता है, स्वस्तिक ABCD के फॉर्मल है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
हंस डीकर और हॉफमैन में हंस डीकर आखिरी में आना चाहिए था। ठीक है, अभी ये जितना भी है 10:30 कॉमन सर के टेस्ट है। अच्छा ठीक है, चल ले लेना। ठीक है प्लीज, कल रात को भी ले ओ कुछ, जान ले लेना ओम तू मेरी है, जान ले ले, खुश हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अर्लडॉल से। ठीक है, ये सेशन कितना टाइम का होगा? जितना फास्ट तुम करवाओगे उतना टाइम का होगा। ठीक है, जितना फास्ट तुम बोलोगे, जितना जल्दी जल्दी आंसर दोगे, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, मगजमारी नहीं होगी ज़्यादा। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन जो है, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन की अपन बात करते हैं। आशा है कि सारे आज खत्म हो, सारे आज ही खत्म होंगे भाई जय, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं डालना अपने को, कल से फिर अपन दूसरे काम पे लग जाएंगे। चलो आगे बढ़े, एल्डोल की बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन रिएक्शन। अब एल्डोल के लिए क्या लगता है, आपका जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हुआ बता देना, आप लोग सब होशियार लोगों, सब लोग पढ़े लिखे लोगों को पता चल जाता है आप लोगों को जल्दी जल्दी। ठीक है, और अब तो क्या है, मेरा आज कहानी चल रहा है थोड़ा सा टाइट। अभी समझ में आ रहा है क्या? तो आपको सबको हेल्प करते रहना होगा जल्दी जल्दी। सी डबल बॉन्ड ओ जो है, अब इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग लक्षिका। अभी अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन के होने से क्या होगा, वहाँ से आपका एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल लगते हैं, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। आपको शॉर्टकट कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कुछ इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस साइड वाले को नहीं, उस साइड वाले को करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, जब एल्डॉल होगा कैसे करोगे? हाँ भाई, गुड इवनिंग लोकेश, वेलकम। एल्डॉल के वक्त आप यहाँ से बीच में से निकाल दोगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल, समझ गए, दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सिर्फ अल्डोल नहीं है, दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। वैष्णवी गूगल और विकी कहाँ है? विकी पीछे बैठी हुई है, गूगल तो यार कहाँ घूम रहा है मालूम नहीं। तो दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। कितनों को याद है अल्डोल का एक्सेप्शन, एल्डोल का एक्सेप्शन कितनों को याद है? नीट के लिए वैसे तो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हो स्वस्तिक, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव फ्रॉम राजस्थान भाई। इट्स मी अनु, इट इज योर फाइनल डिसीजन दैट यू डोंट वॉन्ट टॉक विथ मी। मैं बात कर रहा हूँ, इट्स मी, मेरे से बात कर ले, बता एल्डोल का, अल्डोल का क्या है ये एक्सेप्शन, किस किस को याद है? लक्षिका, अल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यू NaOH एंड हाइड्रोलिसिस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्मेशन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का अपन कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है जयंत, क्या है यार ये, तो क्या दे रहा है, एक्सेप्शन कितनों को याद है? तो यार अगर आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन में, अगर आपके पास इस टाइप का एल कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड दिखा आपको, विल नॉट गिव अल्डोल एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, विल नॉट गिव एल्डोल एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, देखो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ये तो एल्डोल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये अल्डोल नहीं देता, ठीक है, कैनिजारो प्रोडक्ट देता है, कैनिजारो मेजर, ठीक है, इस चीज को बस इतना याद रखना। इसको अल्डोल क्यों कहते हैं, ओम का सवाल है। देख एग्जैक्टली कौन पूछ रहा था ज्यादा टाइम क्यों लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला, अंजलि तुम पूछ रही थी ना ओम के कारण, लिख लो इसका नाम। अबे यार एल्डिहाइड अल्कोहल थोड़ा तो लगाओ यार, थोड़ा तो, ऐसा क्यों, कौन करता है यार ऐसा सुबह सुबह, मतलब एकदम से है, समझा क्या, अल्डोल क्यों बोलते हैं, एल्डिहाइड होता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होता है, अब एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा भाई, समझे क्या। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन की, ठीक है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलिगर कितनों को पता है, हर्षिता रात होने वाली है, क्या बात कर रही हो, हमारे हिसाब से तो सुबह होने वाली है, एएम लगेगा है, ओम समझ गया, चल भैया ऐसा ऐसे इतना फास्ट समझे तो जिंदगी बढ़िया हो जाए, नहीं चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, अरे बाल सीमन कहाँ चलेगा यार, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन इज अ कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बेयर विलिगर के लिए बताओ भाई क्या क्या होगा इसका पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा यार आकाश, मैं रख के करूंगा भी क्या इसका ठीक है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में आपके पास होता है RCO3H, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ BF3, BF3 या कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, रिएक्शन को जल्दी आगे बढ़ाता है, सक्षम, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 मिनट हुआ, मैं तो लेट आया था तो क्लास जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोडक्ट के आपको क्या मिलता है, कीटोन गेट्स कन्वर्टेड इंटू एस्टर। अब आप बोलोगे ये तो हमारे इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं आपके इसमें नहीं है, ये मानता हूं, इसलिए मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में भी नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन रिएक्शन बड़ी प्यारी है, ठीक है, RCO3H जो है ना, आपको ये चीज बताऊंगा, BF3 मतलब, सौम्या गौतम का सवाल है, BF3 मतलब, वाह, नहीं नहीं वाह, मजाक कर रही हो ना हर्षिता, क्या हो रहा है, जयंत कतई मौज में है, नहीं जयंत कहा गया कुछ, मेरे को तो दिख नहीं रहा जयंत ने क्या लिखा है, रात अकेली है और अभी भी बाकी है, कहीं मैं मौज में है भाई बेटे, अरे फिर आगे निकल गया, हो गया भाई, मेरी तो पेन ने भी आज पेन शो कर दिया। RCO3H जो होता है ना, दिस इज RCO3H, अगर आपके पास एल्कीन है, एल्कीन को RCO3H कन्वर्ट कर देता है इपॉक्साइड में, अब आप बोलेंगे इपॉक्साइड क्या, तो डबल बॉन्ड और इसके ऊपर ये, दिस इज इपॉक्साइड, ठीक है, लेकिन इस केस में, ठीक है, इस केस में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा एस्टर। आगे बढ़े, दिस इज बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, याद रखना, आएगा नहीं ऐसा कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है, इंक पीली होंगी लक्ष्य का मेरे को भी वही लग रहा है, ये डिजिटल पेन कब से पीने लग गई है, पीने वाली डिजिटल पेन है मेरे पास, नहीं मेरे पेन का है ना नीब वो हो गया, घिस गया, ज्यादा ज्यादा चल गई अब। चलो बाल श्रीमान बताओ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, कितनों को बाल श्रीमान याद है, बालचीमन क्या था रिएक्शन, क्या बनाते थे बालचीमन में बताओ, नहीं तो गूगल करना पड़ेगा भाई, कौन कौन है यहाँ पे हमारे साथ पढ़ाई करने वाले लोग, जल्दी से एक बार हाय कर दो, जल्दी से हाय हेलो कर दो, हाय हेलो वेलकम, बिल्कुल थैंक यू सो मच, A2 Egg Shop, अल्काइल फ्लोराइड, बाल सीमन जो रिएक्शन है एनिलीन से शुरू होता है, थैंक यू सो मच, क्लोरो बेंजीन फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डायजोनियम से शुरू कर सकते हो, ठीक है,
और बोलने के लिए आप एनिलीन से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है? अगर आप रिएक्शन, अबे कैसा है बे, इतना इंक पिए हो? अगर HNO2 एंड HBF4, ठीक है, इन दोनों के प्रेजेंस में अगर आप करते हो रिएक्शन को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट में मिलेगा फ्लोराइड। क्या क्या लिखा है, मतलब क्या टाइप? बाप रे बाप, सौम्या बोल रही है कि मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा सौम्या जी, अब सौम्या गौतम हो गई। अच्छा अभी तो पहचानने से इनकार कर दूंगा ना भाई, तुम लोग मेरे लिए एक नाम और उसके साथ एक प्रोफाइल फोटो, कुछ भी आप चेंज करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ भाई अनुजा, क्या हाल है, कितने दिनों बाद? बढ़िया है। विपाशा कहाँ है पता नहीं, विपाशा आई नहीं आज। ओहो, फोन हुआ नहीं है, साइलेंट, ठीक है। चलो बाल श्रीमान क्या मिलेगा, पहले आपको मिलेगा डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और वो जो डायजोनियम है उसके ऊपर का N2+ निकल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको HBF4 के साथ रिएक्शन के बाद, अराइल फ्लोराइड, ठीक है, डन। क्या बात है, लैपटॉप कंटिन्यूअस चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलना चाहिए। कोविड हो गया था, अभी ठीक हो? माँ कसम जयंत, एकदम मूड में नहीं। फ्लोरोबेंजीन अगर डायजोनियम लवण से बनाए जाए तो बल्ज श्रीमन है, माँ कसम। चलो भाई, हॉस्पिटलाइज थी यार, ठीक हो गई, अब बढ़िया है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। बर्च रिडक्शन, चलो गुड नाइट बोर्शा। जेवलिन, इसमें आप डालते हो सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अगर आप H2PDBaSO4 डालो, ठीक है। स्वस्तिक क्या बोल रहा, पिछला, हाँ भाई देख ले पिछला, ले बाल सीमन देख ले भाई तू, ठीक है। इसमें साथ में N2 बना देना, N2 उड़ जाएगा। कहाँ जा रही है तू, क्या कर रही है, तब से मस्ती कर रही है, तू बता बाल श्रीमान, समझ में आया क्या तेरे को? हाँ विक्की, विक्की को बाल श्रीमान चाहिए क्या? हो गया क्या स्वस्तिक, देख लिया? जयंत कतई हिंदी में डूब गया है ना, सही में। चलो डन। विक्की नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शन। तेरे को मालूम है बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है, और ये एंटी एडिशन के चलते जो है ना बर्च रिडक्शन, सच में अगर आप H2PDBaSO4 वो जो पॉइजन्ड कैटलिस्ट लिंडलार्स कैटलिस्ट डालते हो तो उसमें सिन एडिशन होता है, और अगर तुम उसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डालते हो तो एंटी एडिशन होता है। तेरे को पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख ध्यान से देखना, प्रोडक्ट जो है ना ट्रांस कंपाउंड। नहीं तेरे को नहीं पसंद, नहीं अच्छा लगा, बर्च आउट ऑफ सिलेबस है बोल रही है। ओफो कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है तो ठीक है ना, बट अच्छा है ना, एंटी एडिशन देखने मिल रहा है ना, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विकी को रिएक्शन सिखा दे, विकीपीडिया इसको ले जाना, ठीक है। तो बस रिडक्शन इतना याद रखना, एंटी एडिशन होगा, ठीक है। स्कूल खुलेगी तब पढ़ूंगी, सही बात है, ऐसा ही कुछ कह रही है वो। तो दूसरा आपको क्या है, अभी सिन एडिशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि अपने को पता होना चाहिए सिन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ऐड हो रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए अपन लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करेंगे। सबको याद है लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, H2PDBaSO4 है ना, H2PD सॉरी CaCO3, ठीक है, डन। आगे बढ़े नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट है कैनिट जारो, बहुत अच्छी रिएक्शन है कैनिट जारो।
बड़े मस्त इंसान थे और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान थे। मैंने आपको बताया था कानिजारो जो थे, इनके इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपने जो मेंडेलीव है वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस 1840 में वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे मेंडेलीव। उस कॉन्फ्रेंस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस के लास्ट दिन कानिजारो ने बड़ा स्पीच दिया था, और वो स्पीच सुनने के बाद मेंडेलीव एकदम से मतलब फुल ऐसा होता ना जोश में आ गए, एकदम क्रांति में आ गए कि अब तो केमिस्ट्री में आग लगा दूंगा। ठीक है, पीयूष कुमार को नेम क्लियर नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहा भाई। पीयूष कुमार इतना बड़ा दिखा है वो इसलिए नहीं दिख रहा क्लियर क्योंकि 2 मिनट होल्ड करो। और डिस्प्ले अब दिख रहा है क्या क्लियर? क्लियर दिख रहा है? कानिजारो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। थैंक यू सो मच लक्षिका। हाइड्रेट शिफ्ट होगा अभी, वो हाइड्रेट शिफ्ट वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म में मत पढ़ो, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, रेडॉक्स। ठीक है, कब होगा रिएक्शन? कॉन्सेंट्रेटेड एनएओएच। जनरली रिएक्शन आपको दिखता है 50% एनएओएच, 40% एनएओएच, इस टाइप के अगर लिखा हो तो कानिजारो होने का चांस है। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? ये रिएक्शन तब होगा अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन के केस में कोई मतलब नहीं है, एल्डिहाइड होना जरूरी है। ठीक है, कानिजारो कैसे याद करे? रेडॉक्स है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कानिजारो में अभी मेरे को बताओ, देखो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कहाँ जाएगा? ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा, और एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनाएगा, खत्म। दिस इज कानिजारो। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, एक एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात। तो बेंजल डिहाइड है, एक बेंजल डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, एक बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हुआ। अच्छा, अगर क्रॉस कानिजारो हो तो क्या? अभी एनसीईआरटी में इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अगर मेरे पास एच सी एच ओ और पी एच सी एच ओ इनकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इस केस में जो छोटा वाला जब भी होगा, हमेशा ध्यान रखना छोटा वाला ऑक्सीडाइज होगा, तो एच सी ओ ओ माइनस बनेगा एंड पी एच सी एच टू ओ एच बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड एनएओएच। ठीक है बेटे, क्लियर? ये जयंत को देख, जयंत का पूरा हो गया है तैयारी। ठीक है, अब जयंत को ऐसा है कि यहाँ तो बैठना है सबके साथ, क्योंकि अब अकेले अकेले मजा भी नहीं आ रहा, तो क्या करे, तो जयंत ने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलत नहीं है लक्ष्य का, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, बोल सकते हो ना, कोई गलत नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन ठीक है, क्रॉस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। डन, आगे बढ़े सिद्धार्थ। चलो जिशु, जिशु तू पढ़ता है? जयंत तेरे को थकान लग रहा है? लो भाई बताओ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहाँ पे देखने मिलता है? अमीन्स चैप्टर में देखने मिलता है। कितनों को याद है कार्बाइल अमाइन में क्या होता है? अभी कार्बाइल अमाइन, एनीवन? अमीन का रिएक्शन है ना, जिसे बोल रहा है रोस्ट मत करो, चल हट, रोस्ट मत करो।
मस्ती करते हो तब तुम लोगों को तो जरा जरा टेंशन नहीं आता। कोई तो बता दो CHCl3 कोई क्यों बोल नहीं रहा। नहीं, आइसोसाइनेट बनेगा आकाश, वो तो प्रोडक्ट है। मैं तो रिएक्टेंट मांग रहा था। ठीक है, दिस रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन पता नहीं ऐसे नीट में तो नहीं आया, लेकिन किसने बोला है, बट 4 NaOH ये चीज याद रखना है। ठीक है, 4 बार NaOH लगेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन फिशी स्मेल रिएक्शन। क्या बात है, वेरी गुड लक्ष्य का, एकदम परफेक्ट। तो आपके पास क्या बनेगा, RNH2 अटैक कर रहा है कार्बन पे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्लिमेंसन में चला गया क्या मैं, नहीं ना, क्लिमेंसन नहीं था क्या, NaOH। 4 NaOH किसका था यार, अरे इसका नहीं था यार, फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड का होगा फिर, वो अमीन में तो था 4 NaOH, देखना हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगा पक्का से, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, भूल गया यार मैं। यहाँ कितने NaOH लगेंगे, यहाँ आपको लगेंगे 3 मॉलिक्यूल लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपके पास आइसोसाइनाइड बनेगा और साथ में मिलेगा आपको KCl, NaCl, ठीक है, डन। CHCl3+NaOH सही है ना, बिल्कुल सही है, और साथ में हीट 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 होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक है तो हीट भी डाल दो। क्लिमेंसन में सीधा सीधा है, RNH2 3 बार अटैक करता है CHCl3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक सीएल को उड़ाना है, एक एक सीएल उड़ाते जाओ, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, और H+ भी है, H+ चला जाएगा OH के साथ, वाटर बना देगा, बाकी NaCl बन जाएगा। लास्ट चल रहा है, ठीक है, ये क्लिमेंसन कहाँ से चला गया यार, मैं कार्बाइल अमाइन को लेके यही बोल रहा था क्या तू, तो यार इसमें तो कॉपी भी नहीं होता। कैसे करेंगे यार, ये तो बड़ा सैड है, सिलेक्शन आता है क्या, इरेज, और इरेज ही हो जाएगा ये तो, हटाओ फिर। तो ये होता है जब आप दिन भर ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ लो, तो कहानी ऐसी हो जाती है भाई साहब। ठीक है, समझ गया यार हर्षिता, अभी दिखा। सौम्या पूछ रही, सर आपको संस्कृत आती है, हिंदी तो कैसे कैसे बोल पाते, फिर संस्कृत आती है पूछ के डिलीट करो, क्यों मस्ती कर रहे हो रात को इतना मस्ती। आज प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो, जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बताना शुरू करो तो बताओ यार। ठीक है, रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस रिएक्शन विल बी गिवन बाय प्राइमरी अमीन ओनली। ठीक है, फिशी स्मेल, थैंक यू सो मच लक्षिका। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है क्लिमेंसन। क्लिमेंसन रिडक्शन क्या करता है, क्लिमेंसन रिडक्शन सबको याद है, जल्दी से क्लिमेंसन रिडक्शन के ये भेजो रिएजेंट, बताओ भाई क्लिमेंसन रिडक्शन के। कौन भेज रहा है यार, सर के क्लास में BTS का एड दे रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, खुशी गुप्ता का जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ भाई, जिंक एमलगम HCl, थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच हर्षिता। ZnCl2 नहीं यार, जिंक एमलगम HCl एंड हीट। ठीक है,
इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप वी प्रिफर वुल्फ कुशनर। ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहेगा। सबको समझ में आ रहा है वो कह रहा है? फिर आगे निकल गए। ये जो है आपका सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो गया CH2 में, दैट्स इट। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा अगर आपके पास, तो एसिडिक इसमें वो रिएक्ट कर जाएगा, ऑर्गेनिक की जो डेली वन शॉट आ रहे हैं वो ऑल ऑर्गेनिक का आएगा क्या? बस ऑर्गेनिक का हिमांशु आज लास्ट है। ठीक है, आज का सेशन ऑर्गेनिक का वन शॉट का लास्ट है। इसके बाद एक रिएजेंट वाला मैं बनाऊंगा, देखो मूड हुआ तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर एक PPT पे बना के भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू लक्षिता। इसमें एक और इशू है, अगर आपके पास NO2 प्रेजेंट है तो NO2 विल गेट रिड्यूस टू NH2। ठीक है, ये याद रखना, ये वुल्फ किशनर में नहीं होता। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डायल्स अर्डार रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। ये रिएक्शन जो है ना डाइन और डाइनोफाइल के बीच में होता है। ठीक है, डाइन, दिस इज कॉल्ड द डाइन एंड दिस इज कॉल्ड डाइनोफाइल। डाइनोफाइल का मतलब जो डाइन जिसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, ध्यान से समझना। वुल्फ किशनर भी सेम है, रिएजेंट डिफरेंट है। बिल्कुल लक्ष्य का, सब सेम है, रिएजेंट डिफरेंट है। वुल्फ किशनर को अब W में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, उसमें लेकिन रिएजेंट क्या आता है आपका? N2H4 आता है। मैम की क्लास है, मैं तो 5 दिन बाद जा रही मैम के क्लास में नहा धो के। बिल्कुल ठीक है सौम्या, हुआ। अभी डाइन जो है, डाइन का बॉन्ड अटैक करता है एल्कीन पे, एल्कीन का बॉन्ड ओपन होता है और ये बॉन्ड शिफ्ट होता है। इसके चलते दिस हैपेंस इन, इसके चलते आपको ऐसा साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, हाँ भाई लक्षिका क्या बोल रहे हो? इथिलीन ग्लाइकोल सेमी कार्बाजाइड, तुम तो 2,4-DNP पे चले गई। ठीक है, तो डायल जर्डलर रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन आपको इन जनरल क्या बताओ, आपको इन जनरल ऐसे देखने तो नहीं मिलेगा, अगर देखने मिले तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायल जर्डलर में बस इतना ही है। ठीक है, दिस इज अ डाइन एंड डाइनोफाइल, इनके बीच में रिएक्शन होता है, लूप क्लोज हो जाता है। वुल्फ किशनर के रिएजेंट बताओ लक्ष्य का। वुल्फ किशनर में आपके पास होता है NH2, N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ, और वो होता है ना अपना हाइड्रोजीन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन बताओ भाई। इटार्ड रिएक्शन कितनों को याद है? इटार्ड रिएक्शन क्या है? इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म भी दिया हुआ है अपने को, कहाँ पे पढ़ा है अपन ने इटार्ड? इटार्ड पढ़ा है एल्डिहाइड में पढ़ा है क्या? टोलुइन, टोलुइन वाली। हाँ अरविंद क्या बोल रहे हो? NaOH, अरविंद क्या बोल रहे हो भाई? टोलुइन जो होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ? CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। थैंक यू सो मच हर्षिता। क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, बहुत अच्छे। फॉलोड बाय वाटर, है ना? उसको क्योंकि बाद में अपने को तोड़ना भी पड़ेगा, तो दिस इज स्टेप नंबर वन। तो एक एक स्टेप करके देखते हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या दिखता है? आपको यहाँ पे ठीक है, खुशी का सवाल है, अल्डोल कंडेंसेशन यूज कहाँ होती है? खुशी एग्जाम में। क्या
बोलू यार, कहाँ यूज होती है, एल्डिहाइड कीटोन्स में। ठीक है, पानी डालोगे, Cr2Cl2 निकल जाएगा, तो टोलुइन से हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके बेंजल डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, फिंकलस्टीन। बताओ भाई फिंकलस्टीन, कितनों को याद है फिंकलस्टीन? अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था ना अपन ने फिंकलस्टीन, हैं? फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन था और एक उसका भाई था, क्या था, स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में आयोडीन खेलता है, स्वार्ट्स में क्लोरीन खेलता है। शरद, शरद को क्या बाउंस हुआ रे पिछले वाला? Cr2Cl2, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स, ये जो ऊपर हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन की जगह Cr2Cl2 लग गया। स्वार्ट्स आयोडाइड वाला नहीं, फिंकलस्टीन आयोडाइड वाला, A2। स्वार्ट्स जो है वो HBF4, NaBH4 क्लोरीनेशन है। उसमें AgF2 भी डालते हैं शायद, AgF, HG2F2, वो स्वार्ट्स है, ठीक है ना, HG2F2। खुशी, AgF2, HGF2। वसीम, थैंक यू सो मच वसीम। ठीक है, तो फिंकलस्टीन में अल्काइल आयोडाइड बना था, NaI एसीटोन फिंकलस्टीन का रिएजेंट है। आगे बढ़े, डन हो गया स्वस्तिक का। ठीक है, अगर मेरे पास है RCl या फिर RBr, ठीक है, इसमें मैं डालता हूँ NaI एसीटोन। नाउ ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, NaI एसीटोन में एसीटोन का गेम क्या है, एसीटोन में NaI इज सोल्यूबल, ठीक है, लेकिन NaCl और NaBr जो है ना ये इनसोल्यूबल है। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स दिस रिएक्शन टू गो अहेड, ठीक है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है, NaCl NaBr प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन में कौन घूम रहा है, आई माइनस घूम रहा है, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल आयोडाइड में। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में एसीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बहुत अच्छे, फिंकलस्टीन के साथ फिटिंग आ गया। चलो फिंकलस्टीन आ गया, स्वार्ट्स बाद में आएगा, स्वार्ट्स वाले में फ्लोरीन है, आएगा तब अपन लिखेंगे। ठीक है, फिटिक बताओ भाई, फिटिक कितनों को याद है, फिटिक क्या है, अगेन अल्काइल हैलाइड है ना, फिटिक भी एक वुड्स है, एक फिटिक है और वुड्स फिटिक है। ठीक है गोपाल, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। फिटिक, फिटिक में क्या होगा आपके पास, एरोमेटिक वुड्स हैलाइड, थैंक यू सो मच वसीम, करेक्ट, एरोमेटिक्स, एरोमेटिक हैलाइड है ये, वुड्स में एरोमेटिक हैलाइड नहीं होता वसीम, अल्काइल हैलाइड होता है वुड्स में। ठीक है, कलर चेंज करूँ, चल डार्क कलर यूज करता हूँ। ठीक है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लो, दो मॉलिक्यूल लो, इसमें डालो सोडियम ड्राई इथर, सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगा, तो फिटिक इज अ कपलिंग रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इट इज एरोमेटिक कपलिंग। ठीक है, वुड्स रिएक्शन जो होता है WURTZ, उसमें अल्काइल हैलाइड का कपलिंग होता है, और वुड्स फिटिक जो होता है, वुड्स फिटिक में अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड इनका वो होता है। उल्मान भूल गया ना मैं, उल्मान क्या था वैसे, उल्मान मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में है क्या, नहीं है, मैं तो सारा एनसीईआरटी देख देख के आगे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उल्मान रिएक्शन याद दिलाना जल्दी से, मेरा एकदम दिमाग से निकल गया। अल्का हलाइड वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड है, रिएक्ट रिएजेंट क्या था उसमें,
है उल्मान है, चलो ठीक है, फ्रैंकलैंड एंड उल्मान रिएक्शन है, एनसीईआरटी में है। अरे फिर मैं मिस कर गया यार, उसको लिख लेंगे अपन आखिर में, एक आध जगह पे चेंज कर देंगे। प्राइस रीअरेंजमेंट तो नहीं है ना, प्राइस रीअरेंजमेंट का कोई वो ही नहीं है। और फिर एजो एरोमेटिक आयोडाइड कॉपर था ना, क्या था कॉपर की प्रेजेंस में एरोमेटिक आयोडाइड, नहीं एरोमेटिक क्या था, जिंक के प्रेजेंस में कॉपर यूज करके डाई बेंजीन बनाता है ना, डाई फिनाइल रिंग बनाते हैं। ओके ओके यस। तो इसमें अपन ने जैसे फिटिंग में सोडियम ड्राई इथर डाला, उल्मान में अपन जिंक कॉपर डालेंगे, ठीक है ठीक है। एनए की जगह जिंक होगा, जिंक होगा कॉपर होगा यार, मेरे दिमाग में क्यों कॉपर चल रहा है। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ में कॉपर यूज करके लक्षिका, चलो ठीक है देखते हैं। उल्मान उल्मान अपन आगे लिख लेंगे ठीक है, याद रखना साइड में लिख के रखना। वुड्स रिएक्शन तो आखिरी में आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत ही सिंपल है यार, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वैसे जल्दी तो नहीं करना चाहिए, सब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट हर हर साल, हर साल एक क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट पे आपको आ जाता है ठीक है। अल्काइल हलाइड के साथ बेंजीन की अगर आप रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा लो, अल्काइलेशन होगा यहाँ पे ठीक है। और जनरली मेजर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, मेजर प्रोडक्ट होता है जनरली पैरा ठीक है। रिएक्शन में, अरे बाप रे स्वस्तिक भी हिंदी में उतर आया भाई, जयंत तूने क्या कर दिया, जिंदगी हो गई अंश असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरह और हम फिरते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह। वाह वाह बाप रे, दर्द एकदम समझ गया। वुड्स में सोडियम जैसा यूज होता है वैसा जिंक रिएजेंट एंड कॉपर इज यूज्ड इन केस ऑफ उल्मन ठीक है लक्षिका, करेक्ट है ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक चीज जो आपको बीच में इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ दिस अरिनियम आयन, ये आपको पता है सब लोगों को है ना, अरिनियम आयन लगा होता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये AlCl4- जो होता है ये वापस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहता है और अरिनियम आयन हट के फिर वापस एरोमेटिसिटी रीइंस्टेंट हो जाती है ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बस सेम कहानी है, रिएक्टेंट आपका अलग है, इसमें आपके पास असाइल क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 ठीक है, जब भी AlCl3 लो एनहाइड्रस ही समझो ठीक है। आपको क्या मिलेगा, CoR, असाइल ग्रुप लग गया यहाँ पे, लेट से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगेन पैरा मेजर ठीक है। डन, वसीम का कहना है कि रिएजेंट और भी है फ्रीडल क्राफ्ट के, चलो कह सकते हो रिएजेंट और भी है फ्रीडल क्राफ्ट के ठीक है। क्योंकि क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले लिख देता हूँ फिर अपन वो रिएजेंट की बात करते हैं ठीक है वसीम, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा रिएजेंट का डिस्कशन नहीं है, लेकिन AlCl3 विल कन्वर्ट RCl टू R+, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के चलते रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ये चीज याद रखना है ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब आप बोलोगे अगर मुझे रीअरेंजमेंट नहीं होने देना ठीक है, तो फिर आपको थोड़े से वीकर रिएजेंट यूज करने हैं
ठीक है। वीकर रिएजेंट में कौन आता है? FeCl3 वीकर में आता है। और कौन आएगा? इसके और रिएजेंट बता भाई वसीम, कौन से याद है तुझे? FeCl3 एक आएगा वीक रिएजेंट, मेरा आज एकदम ब्लैंक चल रहा है। ठीक है, ZnCl2 विल काम करेगा। ठीक है, वीक रिएजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है। AlCl3 स्ट्रॉन्ग में, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि Cl को खींच के निकाल देगा, AlCl4 माइनस बना देगा या कार्बोकटायन बना देगा। ठीक है, FeCl3 नहीं, AlCl3 तो खतरनाक वाला है, FeCl3 वीक वाला है। ठीक है लक्षिका, FeCl3 स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा। अच्छा, सेम गोज फॉर RCOCl। RCOCl में तुम्हारे पास AlCl3 के साथ रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा? तुम्हारे पास मिलेगा RC डबल बॉन्ड O+। ठीक है ना, इसमें कार्बोनियम आयन बनेगा और साथ में AlCl4-। ठीक है, डन। पीयूष सिंह बोल रहा है कितना वीक है ये टीचर एकदम। अभी प्राइस रीअरेंजमेंट आ गया ना, इसको एकदम चेंज कर लेते अपन। प्राइस रीअरेंजमेंट जो है इसके जगह कर लेते उलमन। ठीक है, और इसको डाल देते हैं नीचे। अरे कौन नीचे चला गया भाई? कोई और ही नीचे चला गया लगता है। हाँ आगे कौन है? अब है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसमें क्या होगा आपके पास बताओ भाई? गैब्रियल थैलेमाइड लगेगा 1 घंटा और टाइम। बताता हूँ ठीक है, थोड़ी देर देता। अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो है, अभी किसको स्लो लग रहा था? पीयूष सिंह को बहुत स्लो लग रहा था। नहीं बता भाई तू, गैब्रियल थैलामाइड बता दे। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो है गैब्रियल थैलामाइड, इसमें क्या होगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। सही बोले वसीम। तो सबसे पहले थैलामाइड क्या है समझो, दिस इज थैलिक एसिड। ठीक है, COOH, ये है थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड के बाद इसका अमाइड बनता है। ठीक है, क्या से अमाइड बनता है? इसका इस तरह से अमाइड बनता है, CONH। ठीक है, क्या चाहिए आपके पास? आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। ठीक है, बेस। हाँ भाई, शॉर्टन बाउमन, वसीम शॉर्टन बाउमन करेंगे, याद दिलाना। ठीक है, इसमें क्या डालोगे बेस? KOH। अरे क्या करोगे ब्लॉक करके लक्षिका, चिल मारो ना। पीयूष खुद बकवास करने आया आज सुबह से, मैं देख रहे हो कि इतना, दिस इज माय 8th आवर। ठीक है, आज का जो सेशन है ये 8वां घंटा चल रहा है, और आज से कम 80 लोग देख लिए मैंने पीयूष जैसे नालायक। ठीक है, अब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है इनका। ठीक है, इनको पढ़ना लिखना है नहीं, माँ बाप ने बस इधर उधर फीस भर के रखा हुआ है, हो सके उतनी ज़्यादा। ठीक है, जिसको पढ़ना होता है ना वो पढ़ ही लेता है, क्या समझे? ठीक है भाई, मेरी एनर्जी को तू क्या सोडा में डाल के पिएगा? बताओ भाई।
अब इसके बाद क्या डालोगे? अल्काइल हलाइड डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सा अल्काइल ग्रुप जोड़ना है वो आपके ऊपर है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? गेब्रियल थैलामाइड के नाइट्रोजन पे आपके पास अल्काइल हलाइड का आर जुड़ जाएगा, SN2 रिएक्शन करेगा। कौन? आपका ये जो है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन कर दिया अल्काइल को, अल्काइल में से हलाइड को हटा दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसमें कुछ मत करो, पानी डाल दो, हल्का सा एसिडिक मीडियम डाल दो, ठीक है। और भाई पर हमें डिस्टर्ब मत कर, यहाँ पढ़ने दे, हर्षिता कह रही है। कोई बात नहीं हर्षिता, उसको ब्लॉक कर दो। तुमको सबको इंडिविजुअली ब्लॉक करना पड़ेगा। मैं ब्लॉक कर दूंगा तो फिर वो जिंदगी में वापस कभी आके ऐसा सर पढ़ा दो, समझा दो, फट गई है सिलवा दो, अब ये सब बोल ही नहीं पाएगा। जबकि वो बोलेगा, एक दिन आएगा आके फिर वो ही बोलेगा कि नहीं चमका, चमकाओ। क्यों भाई पीयूष? एक चीज याद रखना, गैब्रियल थैलामाइड प्राइमरी अमीन ही बना सकते हो, ठीक है। क्या बोल रही हो बोरशा? मैं समझा नहीं। ठीक है, प्राइमरी अमीन ओनली, डन। नहीं, पीयूष को मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, पीयूष खुद को ब्लॉक करेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, ये जो आत्मनिर्भर भारत हो रखा है ना, ठीक है, सबकी आत्मनिर्भरता एकदम से फट के हाथ में आ जाती है एग्जाम के टाइम। बताओ भाई, गैटरमैन रिएक्शन क्या है? डायजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन है ये, डायजोनियम क्लोराइड। जी अपने देश में अभी पता है कि एक नया ट्रेंड निकला है मार्केट में, ये रोस्टिंग वाला, ठीक है। रोस्टिंग वाला जो ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड में सबको ये लगता है कि जो बोलेगा उसको बस तालियां मिलेगी, तालियां। पीयूष के लगता है कि पीयूष जोक मारेगा और यहाँ पे सबको बहुत हंसी आएगी। मुझे आ गई, थैंक यू सो मच एनर्जी बढ़ाने के लिए। आवे गटरमैन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CuHCl। थैंक यू सो मच, परफेक्ट। यस पाखी, फाइनली आई हैव हेटर्स। अरे यार हेटर भी नहीं होते ना यार, हेटर के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा ना। कॉपर पाउडर, यस थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, क्यूरियस बंदा। कॉपर पाउडर के साथ यहाँ पे हीट करना होता है, हीट तो हल्का सा ही करना पड़ता है क्योंकि डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन क्या है, हीटर वो होता है ना, हीटर के लिए, हीटर खुद को मुझे जानने वाला हो और हीटर हो तो फिर मजा भी आए। दीज आर वेस्ट। चलो कोई बात नहीं, अभी वेस्ट लोगों के बारे में अपन कैसे बात करेंगे। चल ठीक है यार पीयूष, कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर ले। यस, तू मेरे को रोस्ट किया ब्रो, मजा आया मेरे को, एकदम पका हुआ सा फील कर रहा है मैं। चलो भाई जल्दी से बताओ, तू वेदांतु का IT हेड है। तेरे को क्या लग रहा है भाई, दुनिया में लोग इतने लुक्खे होते हैं क्या? ठीक है, कोई अच्छी कंपनी का कोई IT हेड, अबे IT हेड कोई भी होगा उतना लुक्खा नहीं होगा, यहाँ आके टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, छठवे लोगों की कमी पूरे देश में नहीं है। वेलकम वेलकम टू द क्लब। हाँ भाई, CuHCl के साथ हर्षिता एनहाइड्रस AlCl3 भी बताना मत भूलना, ठीक है। रिएक्शन में बेंजीन का अटैक हो रहा है, ठीक है, बेंजीन अटैक कर रहा है तो पकड़ के रखने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, लुईस एसिड। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड, इन दिस केस बेंजल डिहाइड, वेरी गुड।
तो यार गटरमैन और गटरमैन कोच में क्या फर्क है बताओ, गटरमैन और गटरमैन कोच में क्या फर्क है? पीयूष सिंह यस यू हेल्प मी, थैंक यू सो मच, मच ऑब्लाइज्ड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग अटैक करेगा, उसके बाद AlCl3 क्या करेगा वहां पे उसको रिड्यूस करवाने में मदद करेगा। ठीक है, कॉच का डिफरेंस तो यार कॉच को याद रखना CO से, ठीक है, गटरमैन और गटरमैन कॉच में बहुत फर्क है, ठीक है, ना तो रिएक्टेंट सेम है ना कुछ सेम है, ठीक है, तो बस गटरमैन कॉच में कॉच है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलो आगे बढ़ते, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, बताओ भाई, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, अरे यार क्या था उसका रिएक्टेंट, क्या था, रेड फॉस्फरस था ना, रेड फॉस्फर रिएक्ट कौन करता था, COOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस एंड हैलोजन, ठीक है, बराबर। वसीम बोल रहा है अगर CO2 यूज करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड होगा ना, नहीं फिर CO2 वसीम अपने को उसमें यूज करना पड़ेगा, मतलब वो फिर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, उसको अपन गटरमैन कॉच में नहीं गिनेंगे। कॉच जो थे ना, कॉच हाफ रिएक्शन और जितने भी कॉच रिएक्शन है दे आर ऑल रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। HVZ नहीं है, क्या बात कर रहे हो, HVZ नहीं है क्या? टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अराइल अमीन एंड एलिफेटिक अमीन, हिंसबर्ग की बात कर रहे हो ना, HVZ है ही नहीं, नहीं वो तेरी अभी लिख, ये हिंसबर्ग पे चले गए अपन, अच्छा वैसा हुआ क्या, I think I like OneNote. अब मेरे को OneNote ज़्यादा पसंद आ रहा है because trying this is getting more and more. ठीक है, HVZ फिर भी देख लो एक बार, रेड फॉस्फरस हैलोजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फॉस्फरस हैलोजन इन जनरल क्या करता है, रिडक्शन वाला काम करता है, रेड फॉस्फरस HI तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिडक्शन वाला काम करता है, ठीक है, रेड फॉस्फरस हैलोजन में अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज अल्फा, सॉरी सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, हेलो हैलोजन डाला ना अपन ने, माय मिस्टेक, अब ये जो है अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसमें हैलोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, एंड दिस रिएक्शन इज मतलब दिस रिएक्टेंट इज एड एज गुड एज अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हाँ हाँ लक्षिका हिंसबर्ग पे जा रहा हूँ, अलाइल अराइल अमाइन एलिफेटिक अमाइन जा रहा हूँ, ठीक है, COOH क्यों रिड्यूस नहीं हुआ, वसीम का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे HI नहीं था, रेड फॉस्फोरस HI होता ना तो COOH रिड्यूस होकर CH3 बन जाता, ठीक है वसीम, रेड फॉस्फरस X2 है, फॉस्फरस और X2 मिलके PX3 बना देंगे, ठीक है, नाउ PX3 फॉर्म होगा, PX3 फॉर्मेशन के बाद COOH COX में कन्वर्ट होगा, अब मैं पूरे मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन COOH COX में कन्वर्ट होगा और फिर अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगा, लेकिन द मोमेंट उसमें आप पानी डालोगे तो COX जो होगा असाइल क्लोराइड वो वापस COOH बन जाएगा। वसीम तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, लेकिन मेरे को यही याद नहीं आ रहा, ये तो था यार NCERT में नहीं था ये, चलो कोई बात नहीं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग सब बायो वाले लोग हो, ठीक है, इसमें क्या है, अल्फा हैलो एसिड है ना, अमोनिया का अगर आप अटैक करवा दोगे
ठीक है, हैलोजन निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमीन में उस स्टीफन रिडक्शन के नीचे, अभी पाकलवर बोल रहा है इतनी पढ़ाई क्यों हो रही है? पढ़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे ना, पास नहीं होंगे तो एग्जाम में आगे कैसे बढ़ेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे? यहाँ पे डीप कलर यूज करिए, ठीक है, सॉरी बोर्शा, अभी डीप कलर यूज करता हूँ। हिंसबर्ग की बात करते हैं, हिंसबर्ग में हमारे पास क्या होता है? दिस इज सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यसीम ज्विटर आयन फॉर्मेशन, वो उसके बाद होएगा ज्विटर आयन फॉर्मेशन। अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड बन गया तो अब वो डिपेंडिंग ऑन द पीएच वो ज्विटर आयन में रहेगा, ठीक है। नाउ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको अपन क्या यूज करने के लिए डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इनके बीच में डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। और अराइल अमीन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, सही बोल रहा हूँ लक्षिका? फाइनली तुम्हारा वाला आ गया, ठीक है, सोल्युबिलिटी पे बात करते हैं। 1 डिग्री अमीन जो है, ठीक है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? सीएल जो है ना, सीएल इज अ गुड लिविंग ग्रुप, छोड़ के चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है दीपक, मेरी क्लास का टाइम क्या है? लक्षिका खुश हो गई, नहीं मेरी क्लास का टाइम दीपक ऐसे तो दिन में 10 बजे होता है, लेकिन आज हम लोग ये लास्ट सेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कल से दिन में 10 बजे ही रहेगा। दिन में 10 बजे हम लोग एवरीडे 1 चैप्टर फिनिश करने में लगे हुए हैं। 30 डेज 30 चैप्टर हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर लिया है, कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो है ऊपर वाले में तुम्हारे पास है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन के चलते इट इज सोल्यूबल इन अल्कली। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, इट इज सोल्यूबल इन अल्कली, ठीक है। और ये जो 2 डिग्री अमीन से बनता है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन अल्कली, क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन अल्कली। 3 डिग्री अमीन, नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा। बोरिशा अभी और तो डीप कलर ही यूज किया हो यार, और रेड कलर भी नहीं चलेगा क्या? लाल वाला ये ऊपर जो है, ये वाला नहीं चलेगा? मेरे कलर ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो भाई, एच के बाद हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर क्या था, किसको याद है? हंस डीकर रिएक्शन क्या था यार? कौन सा चैप्टर था हंस डीकर? हंस डीकर था कार्बोक्सिलिक, वाइट यूज करना मिस्टर इंडिया हो जाएगा। Br2CCl4, थैंक यू सो मच, यस यस यस, RCOO- सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, थैंक यू सो मच। बाकी क्या मिलेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड प्लस सीओ टू प्लस ए जी बी आर। सही बात है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म तो शायद नहीं दिया, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ ब्रोमीन एंड CCl4। परफेक्ट, ठीक है, दिस इज हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, CO2 यहाँ पे निकल जाता है। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोस्टली आई एम राइट। CO2 निकल जाता है, ठीक है, इस तरह निकलता है RCOO-, माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होता है, R- निकल जाता है, फिर ये जो R- है ये रिएक्ट करता है Br2 से, ठीक है, लेकिन इसमें R- Br पे अटैक करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर Br- मिलेगा माइनस Br-, और ये Br- सिल्वर के साथ AgBr बना देगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं है इसका, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन में आप गिन सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन एंड प्रोडक्ट विल बी आपका अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बात है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहाँ यूज होता है इस रिएक्शन की। अच्छी बात यह है कि ये जो रिएक्टेंट है, दिस इज Br2NaOH, ब्रोमोफॉर्म में यही यूज होता, ठीक है, आयोडोफॉर्म में आयोडीन और NaOH यूज होता, तो Br2NaOH भी हो सकता है इसका रिएक्शन रिएक्टेंट, NaOBr भी कोई ना कोई दे सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन उड़ गया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, मिलेगा RNH2 प्लस प्लस, अब आपका साथ में जो भी चीजें बन रहा है, ठीक है, ऑफ माय क्या बोल रहे हो, RCONH2 Br2NaOH, बिल्कुल शॉर्ट्स रिएक्शन आएगा आकाश, ठीक है, आएगा थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, अभी पीयूष आ गया, मिसिंग यू अल्टीमेटली, एकदम एक्सट्रीमली। ठीक है, NaOH है, CO निकल गया, तो CO निकल जाएगा, तो Na2CO3 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा वो, NaOH है, Na2CO3 बना देगा, और साथ में क्या मिलेगा, साथ में आपको NaBr मिल जाएगा। डन, लास्ट में एक अच्छा सा पोज देना स्क्रीनशॉट, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन याद रखना, इफ हमारे पास एसीटोन होगा तो सेम रिएजेंट्स ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे, याद रखना। अरे शांतिमय कैसा है, इतने दिनों बाद आया तू, ठीक है, आगे बढ़ते हो। कोल बेज मैं बढ़िया हुआ, तू कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी। कोलबेज डी कार्बोक्सिलेशन, आई वांट टू सू यू टू कोर्ट फॉर डिसरिस्पेक्टिंग होमोसेक्सुअल कम्युनिटी ऑन रिकॉर्डेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओ प्लीज प्लीज बताओ भाई, करो यार थोड़ा सा केस वेस करो। क्या है, कंगना रनौत को ही सब सारा जितना भी फुटेज मिलता है उसी को मिलता है। बाय द वे मैंने तो किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, तू एक नालायक है, तेरा ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तू बता, अब तेरे हिसाब से तू देख ले, अभी तेरे को सू करना है तो, ठीक है, सू करना है, सू कर, सू सू करना है, सू सू कर। ओह माय गॉड, दिस इज सो फनी। पीयूष सिंह थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यार तेरे तू नहीं होता तो अभी तक हमसे पढ़ाई कर रहे होते। कोलबेज डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट में मिलता है
इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का रिएक्शन, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, NaOH CO2 हाइड्रोलिसिस रिएजेंट। मैं समझा नहीं, NaOH CO2 हाइड्रोलिसिस रिएजेंट किसकी बात कर रही हो लक्षिका? हाँ भाई, क्या होगा आपके पास दो मॉलिक्यूल अगर कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन होंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो क्या होगा, यहाँ पे आर सी ओ ओ डॉट हो जाएगा। अब ये जो डॉट है ये अंदर आएगा, ये जो है ये अंदर आएगा और ये यहाँ पे आएगा। व्हाट यू विल गेट इज आर डॉट प्लस सी ओ टू। अब दो आर डॉट मिलके आपको कपलिंग प्रोडक्ट दे देंगे। What I said, there is no lack of, नहीं नहीं अरे पीयूष तो भूल गया क्या, छठवे लोग, छठवे लोग मतलब जो छाट के साइड में कर दो ना, कचरा होता है पता है तेरे को, तू छठवा है ऐसा, ठीक है। ट्रांसजेंडर आर मच मोर यूजफुल देन यू, ट्रस्ट मी। ओहो बाप रे, केस करने आया था क्या बात है यार, सही है, फिर मैं कंगना रनआउट बन जाऊंगा, बाल तो मेरे मैनेज मैच करते हैं। कर तू कर, थोड़ा सा फुटेज मिलेगा, यहाँ पे 27 लोग देख रहे हैं, कम से कम 2700 लोग देखेंगे, के बोलने दो इसको, कुछ तो बोलने दो। इस बहाने अगर सब लोग केमिस्ट्री पढ़ ले तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा है। इतने लोग देश में केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक साथ मेरी क्लास में, मजा आ जाएगा। क्या कैसा पोज, कैसा अल्कोहल चैप्टर वाला कोलबेज रिएक्शन अलग है क्या? अरे वो वाला तो NaOH CO2 वाला बोल रही है, वो वाला कोलबेज रहने देना यार, अल्कोहल वाला, ठीक है। कोलबेज डी कार्बोक सिलेक्शन कर, ठीक है। पिनाकोल, पिनाकोलोन पे चलते हैं, ठीक है लक्षिका। कोलबे बहुत सारे, कोलबे के कम से कम 6 रिएक्शन, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन क्या डालने से पिनाकोल पिनाकोलोन ये हो जाएगा, याद आ रहा है कि आपको पिनाकोल पिनाकोलोन, मस्त रिएक्शन है, नाम ही इतना प्यारा है, कभी नहीं किया। दिस इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट। एनसीआर में पिनाकोल है क्या? मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम यार पिनाकोल है क्या, बट ये सिंपल सा रीअरेंजमेंट है। H+ के प्रेजेंस में क्या होगा, H+ के प्रेजेंस में किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को है ना, किसी एक OH को वाटर बना के निकाल दो, ठीक है, माइनस वाटर कर दो किसी एक OH को, लेफ्ट हैंड साइड वाले OH को मैं माइनस वाटर कर दिया, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे CH3 रख रहा हूँ, क्यों रखा हूँ, क्योंकि रीअरेंजमेंट करवाना है ना, और उसके बाद बस मिथाइल शिफ्ट मार दिया, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट मार दिया। अच्छा बंगाल में है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे क्या यार? H+ एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन तो करवा लेंगे उसका। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पिनाकोलोन मिलेगा, दिस इज पिनाकोलोन, ठीक है, कीटोन फॉर्मेशन होगा। डायमंड टीमान नहीं करवाया, बोर्शा वेट, सौम्या इज बैक, टाइटल अटैक। चलो ठीक है अभी, रोजेनमुंड रिडक्शन बताओ, रोजेनमुंड रिडक्शन क्या था, कितनों को याद है रोजेनमुंड रिडक्शन? रोजेनमुंड में क्या था, असाइल क्लोराइड था, क्या था भाई, जल्दी से ढूंढ के बताओ।
लेट्स क्रैक नीट यूजी. हाय सर, आई एम अर्चित अनिल. हाय अर्चित अनिल, हाउ आर यू? PDBASO4. हाँ, RCOCL पे PDBASO4 नहीं? यस यस, थैंक यू सो मच. फ्रोजन मुंड में RCOCl H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBASO4. लिंडलार्स रिएजेंट है ना, RCHO प्लस HCl बराबर है, अल्डिहाइड बनेगा, सही है ना? रोजनमुंड रिडक्शन, बढ़िया है. याद रखना, नाम से पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया है एक बार, चार नाम दिए थे और कोई तो एक रिएक्शन था और पूछा गया था भाई ये वाला रिएक्शन कौन सा है, और नीचे चारों ऑप्शन दिए थे. ठीक है, चलो रोजनमुंड हो गया, राइमर टीमान आ गया भाई. कौन राइमर टीमान, कौन वेट कर रहा था? आ गया राइमर टीमान. क्या है राइमर टीमान? फिनॉल है. इसकी रिएक्शन कराते हो आप CHCl3 के साथ NaOH के प्रेजेंस में. आज शाम को मैंने आपको बताया था, 2018 में आया था नहीं शांतिमय, बराबर वही. स्वस्तिक बोल रहा है वो पीयूष क्या सच में आपके ऊपर केस करेगा? अरे भाई करने दे भाई, देश आजाद है, किसी को भी किस पे भी केस करने का वो है, ठीक है, अधिकार है, किसी ने रोका थोड़ी है. वो केस करेंगे, हम डिफेंड करेंगे, दैट्स वाई द कोर्ट ऑफ लॉ इज देयर. ठीक है, अभी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अगर इस पे बात हो, इस पे डिस्कशन हो, तो फिर तो हम बहुत सारी बातें कहेंगे कि अच्छा देखिए एजुकेशन सिस्टम को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो तो सारी चीज़ें हम एक बार में बोल देंगे. ही इज जस्ट गिविंग मी वॉइस, अनफॉर्चुनेटली ही डजेंट हैव पावर टू डू दैट. सीरियसली कोई लेता नहीं दुनिया में किसी को. हाँ भाई 65 to 75 degrees Celsius, वेरी गुड, क्या बात है. शांतिमय आ गया, एकदम से मेरे को फील आया, इतना बड़ा, इतना हार्ट का एकदम पूरा दुकान दिखा ना. सैलिसिलडिहाइड बनेगा, सैलिसिलडिहाइड. ठीक है, अच्छा ये ही इसमें अगर मेरे पास CCl4NaOH होता तो मेरे को मिलता क्या? सैलिसिलिक एसिड. मैंने आपको बताया था कि सैलिसिलिक एसिड का मैंने कहाँ पे यूज देखा था, वो गूगल विकी का जो कान साफ, कान में कई बार है ना माइट्स हो जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर ने मेरे को वो दिया था कि वो ईयरबड पे लगा और क्लीन कर लो, तो दैट वाज सैलिसिलिक एसिड. बाकी आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा कि सैलिसिलिक एसिड का क्या यूज़ होता है, तो दिस इज सैलिसिलडिहाइड एंड दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, फेस वॉश में होता है ना. हाँ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश में होता है, सही बात है. इस रिएक्शन का नाम क्या है? राइमर टीमान. ऊपर वाली रिएक्शन राइमर टीमान है, ठीक है ना, राइमर टीमान इसको करके याद रखना. नीचे वाले को आप मॉडिफाइड फॉर्म समझ के चल सकते हो. अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन में मेरे को आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना था. राइमर टीमान सुनते ही स्वस्तिक तेरा ही नाम आता है. स्वस्तिक मेरे को क्यों तो याद है, तूने शुरुआत में जब ऑर्गेनिक अटेंड करना शुरू किया था तो मेरे से एक ही सवाल, सर राइमर टीमान बता दो. अब ये हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूँ और वो राइमर टीमान की बात कर रहा है. मैं बोला रुक जा भाई, एल्डिहाइड कीटोन तो आने दे, मतलब कार्बोक्सिलिक भी आने दे, तब करवा दूंगा सब. ठीक है देखो क्या होगा, हाइड्रोजन OH माइनस अटैक करेगा, तुम्हारे पास फॉर्म होगा CCl3 माइनस. ठीक है ध्यान से देखना, CCl3 माइनस में Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस छोड़ के चला जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक कार्बन जिसके ऊपर दो Cl है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है. वेकेंट क्यों? Cl माइनस छोड़ के चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था. तो यू हैव दिस कार्बिन. ठीक है, ये कार्बीन फॉर्म होता है आपके पास. तब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना ध्यान से, बेंजीन जो है अटैक करेगा, ठीक है, अंदर में अब बेंजीन नहीं होगा उस केस में, तुमको पता है अंदर अरिनियम आयन बन जाएगा. ठीक है, अटैक करेगा किस पे? CCl3 पे. यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे CCl3 था, CCl3 का वेकेंट ऑर्बिटल था,
CCL2 का वेकेंट ऑर्बिटल था और यहाँ पे लोन पेयर था, तो वेकेंट ऑर्बिटल पे बेंजीन ने अटैक किया और इसके लोन पेयर ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन बेंजीन वापस अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लिया और यहाँ पे तुम्हारे पास CHCl2 बन गया। अभी CHCl2 से सैलिसिलडिहाइड का जर्नी बहुत आसान है, दो OH- ने अटैक कर दिया। ये क्लियर हुआ क्या तुमको सैलिसिलडिहाइड वाली कहानी? ठीक है, आखिरी में H3O+ दे देंगे, लेकिन वो H3O+ अपन इसमें देंगे ना, सैलिसिलिक एसिड वाले में देंगे। चलो फिनॉल वाले में भी दे देंगे, ठीक है, H3O+ ऊपर फिनॉक्साइड बन चुका होगा, डन। ठीक है ना, अज्यूम रखो यार H+ आखिरी में प्रोवाइड किया, अज्यूम रखो। सैलिसिलिक एसिड इज रिकमेंडेड फॉर दोज विथ एक्ने। अच्छा, राइमर्टिमान क्लियर? ऑल इन वन बोल रहा है वंस अगेन। अच्छा, ऑल इन वन, ध्यान से सुनना, ये जो CCl3 है, अब मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो CCl3 है, ये CCl3 में H हटा दिया, ठीक है, OH- ने इस H+ को निकाल दिया, ये H+ निकल गया तो तुम्हारे पास बचा C- CCl3-, ठीक है। अब इस CCl3- में से एक Cl- छोड़ के चला गया, एक Cl- छोड़ के चला गया, तो यू हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। Cl- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया और CCl3- था, तो ये माइनस चार्ज के चलते यू हैव अ लोन पेयर। तो एक ही कार्बन पे लोन पेयर भी है, एक ही कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल भी है, दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट है कार्बिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये कार्बिन अटैक करेगा, मतलब बेंजीन अटैक करेगा कार्बिन पे, क्योंकि फिनॉल है, फिनॉल के चलते बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है, ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा, ऑर्थो से वो अटैक करेगा इस पे कार्बिन के वेकेंट ऑर्बिटल में, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बिन का, उसके ऊपर बेंजीन ने अटैक किया। अब जब बेंजीन ने कार्बिन के वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया, कार्बिन के पास एक लोन पेयर था, उस लोन पेयर ने हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, चमका गया ये। अब ये CHCl2 आ गया, यहाँ के बाद की कहानी तो क्लियर है ना, CHCl2 है, दो Cl है, OH- मारो, ClCl निकल गए, ठीक है। कोल्बे-श्मिट नहीं करवाया मैंने, कोल्बे-श्मिट क्या था मैं भूल गया, पूरा नाम बताओ, डन। लाइव क्लास का टाइम क्या है? लाइव क्लास मॉर्निंग में होती है 8, ठीक है, लाइव क्लास मॉर्निंग में होती है। ये तो आज बस ऐसे ही हम लोगों को बहुत पढ़ाई करने का मन कर गया। ऑल इन वन को क्लियर है, कोल्बे-श्मिट याद दिलाना पड़ेगा भाई, बोरशा तुझे ऐसा थोड़ी याद आ जाएगा। सैंडमियर क्या था? सैंडमियर अगेन डायजोनियम ही था ना, CU2Cl2, बराबर बोल रहा हूं, CU2Cl2 हिट। लक्ष्य का सैलिसिलिक एसिड कोल्बेज रिएक्शन में भी फॉर्म होता है, सही बात है, सही बोल रही हो लक्ष्य का, सैलिसिलिक एसिड कोल्बेज रिएक्शन में भी फॉर्म होता है, NaOH-CO2 वाला जो तुम बोल रही हो ना, है ना, यही बोल रही हो तुम, कोल्बेज कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया, सेम कहानी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, डन। CuCl HCl, CU2Cl2 HCl, CuCl HCl, हीट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, सैंडमियर, ठीक है। बोरशा कोल्बे-श्मिट के पीछे बैठी, तुमको ही बताना पड़ेगा यार, मैं भूल गया, बताओ भाई, शॉटेनबाउमन आ गया, शॉटेनबाउमन किस लोगों को याद है? बहुत ऐसा सिंपल रिएक्शन था, पीछे वाला फिर से दिखाओ। अच्छा, सैंडमियर, पीछे वाला आगे बढ़े क्या? बोरशा गई है ना देखने, ऑर्गेनिक छोड़े थे है हम,
हो जाएगा क्या? हाँ अरे ऑल इन वन तूने ऑर्गेनिक छोड़ा है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है? ऑर्गेनिक तुम छोड़ो मत, ऑल इन वन मॉर्निंग 10 AM का सेशन अटेंड करना शुरू कर दो, सुबह 10 बजे। 30 दिन में 30 चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, हम लोगों ने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। एवरी डे 10 AM अपन एक एक चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड बाउमन, शॉर्ट एंड बाउमन क्या था? प्रिपरेशन ऑफ अमीन कैमाइड, ठीक है? चैनल का लिंक यही है, यही पे होता है। अच्छा टेलीग्राम का, टेलीग्राम का स्वस्तिक बता दे भाई। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम साइनाइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2H2। तुम स्टीफन्स रिएक्शन बता रही हो लक्ष्य का, शॉर्टन बाउमन नहीं बता रहे हो, स्टीफन्स है वो तो। SnCl2 के प्रेजेंस में नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे हो, है ना? और फिर वन स्टेप रिडक्शन के बाद उसमें पानी डाल देते हैं। मिष्टी कह रही है टेलीग्राम नहीं है मेरे पास, कहाँ मिलेगा पीडीएफ? यार टेलीग्राम पे ही मिलेगा मिष्टी, और कोई जगह नहीं है। फिर तुम्हारे पास व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो भी होगा सब हटा दो, टेलीग्राम रखो भाई सारा का सारा। कोई तो चैनल रखेंगे ना जहाँ से बेचे बेचे, अभी बेचने का सवाल अपने पास कुछ है ही नहीं, ठीक है? स्टीफन्स बता दी, अच्छा पहले स्टीफन्स बता दी लक्षिका, क्या बात है। गुड इवनिंग हीरन, अभी मोल्स का पीडीएफ भेजो, सब है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होएगा? साइनाइड जो है, साइनाइड है। अब देखो साइनाइड में अगर मैं डायरेक्ट OH- डालता, ठीक है ध्यान से सुनना, साइनाइड में डायरेक्ट OH- डालता तो आपको क्या मिलता? एसिड मिलता और आपका जो अमोनियम आयन मिल जाता, ठीक है? लेकिन साइनाइड से अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे स्टीफन्स रिएक्शन करना पड़ेगा। कैसे होगा? पहले इसमें आप SnCl2 डालोगे, SnCl2H2 रिडक्शन करोगे, HCl ना, SnCl2HCl, करेक्ट? और SnCl2HCl डालने के बाद फिर सेकेंड स्टेप में आप डालोगे वाटर एसिडिक में, ठीक है? क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, SnCl2HCl जो है इसमें SN ऑक्सीडाइज होगा, +4 में जाएगा, दिस थिंग विल गेट रिड्यूस, ठीक है? बोर्षा मोस्ट मोस्ट थैंक यू, योर क्या बात कर रहे हो बोर्षा, थैंक यू सो मच। तुम इंटरेस्टिंग बोल रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तो एक केस ठोक के गया है इतना बोरिंग लगा उसको कि ही डिसाइडेड टू सू मी। सही बात है शांतिमय, दिस इज इमाइन, राइट? दिस इज इमाइन, इमाइन में वाटर डाल दो तो क्या बनेगा? RCHO बनेगा, साथ में अमोनिया बनेगा, ठीक है? हीरल बोल रही है फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ से? हीरल बोल रहा है या बोल रही है कहाँ से करे वो फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यहाँ पे मैंने सारा के सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रखा है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज। यहाँ पे तुमको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके सर्च करोगे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर रोहित चोटाई, पूरा ऑर्गेनिक खत्म करवाया है, ठीक है? स्टीफन्स रिएक्शन ठीक है भाई, किसी को दिक्कत कोई? स्वॉर्ट्स, फाइनली स्वॉर्ट्स आ गया भाई, स्वॉर्ट्स, स्वॉर्ट्स रिएक्शन क्या है? तुम्हारे पास अल्काइल हलाइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो, ठीक है? इसमें अपन क्या डालेंगे? क्या बात है, CH3Br में AgF, अच्छा AgF Hg2F2, NaBH4 काम नहीं करेगा, BF4 काम नहीं करेगा क्या? CoF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, ठीक है? अर्चिता का सवाल है डांसिंग रेजोनेंस, लो भाई पीयूष सिंह मिस मी बोल रहा है
एब्सोल्युटली। अर्चिता डांसिंग रेजोनेंस कहाँ पे आया था भाई बताओ, डांसिंग रेजोनेंस का एग्जाम्पल जो है कंपाउंड क्या था बताओ। स्वार्ट्स फ्लोरिनेशन होता है, फिंकलस्टीन आयोडिनेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। फिंकलस्टीन में सोडियम NaI एसीटोन और यहाँ पे तुम्हारा AgF Ag2F2 ठीक है डन। यहाँ पे इसके बाद स्वार्ट्स हो गया, टॉलेंस और फेलिंग्स ट्राई साइक्लोमिथाइल कार्बोकटायन आकाश बोल रहा है इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, ये वाला मेरे को नहीं याद भैया, ये डांसिंग रेजोनेंस वाली कहानी ही नहीं मालूम। फिंकलस्टीन में आयोडीन एक्सचेंज होगा, बिल्कुल सही बात है ठीक है। रवि शर्मा बोल रहा है मेरा पूरा सिलेबस हो गया तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री के अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं जिससे रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते करते बनाओ ठीक है, चैप्टर पकड़ क्वेश्चन सॉल्व कर, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसके पॉइंट्स तूने क्या अप्लाई किया उसको यूज़ करके शॉर्ट नोट्स बना ठीक है। उसके बाद NCERT ऊपर ऊपर से देख, टॉपिक्स देख, पहले टॉपिक्स दिख जाएंगे समझ में आ जाएगा किस में क्या क्या है ठीक है, फिर किस किस टॉपिक में तुझे वीक फील हो रहा है उनको स्पेसिफिकली पकड़। हाँ भी टॉलेंस रिएजेंट थैंक यू सो मच, SbF3 भी होगा आकाश करेक्ट, SbF3 भी होगा यहाँ पे ठीक है परफेक्ट। हर्षिता बोल रहे ऐसा नहीं, सही बात है अभी हो गया ना, अभी मैं भूलने की भी ताकत नहीं है तुमको मैं बता नहीं सकता, अब मेरा एकदम बैटरी ब्लिंक करता है ना आखिरी में ऐसा ऐसा करके वो ब्लिंक चल रहा है। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट ठीक है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट कौन सा रिएक्शन देता है, मतलब ये कौन सा रिएजेंट है, इस सिल्वर मिरर टेस्ट वाला रिएजेंट है ठीक है, एंड दिस इज अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड ठीक है। क्या होता है आपके पास टेस्ट में, इसमें आता है सिल्वर मिरर फॉर्म होता है ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलता है, रेड प्रेसिपिटेशन मिलता है कॉपर का। अर्चिता डांसिंग रेजोनेंस मेरे को नहीं पता, सुबह समझाओ पता करके समझाओ कल ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल में डायक्स इसकी बात कर रही हो अर्चिता, ये डांसिंग रेजोनेंस है इसका नाम। हाँ भाई थैंक यू, मेरे को किसी ने बताया था पहले इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं ठीक है, तो इसको डांसिंग रेजोनेंस यही है पक्का श्योर, मैं बता दूंगा एक्सप्लेन तो कर दूंगा, केमिस्ट्री तो मेरे को पता है लेकिन नाम पहली बार सुना है। कितने लोग कहाँ गायब हो गए क्या सब लोग, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया सबको, आवाज आ रही है ना क्लियर कट। चलो हाय शर यू वेलकम, एक सेकेंड होल्ड कर लो अर्चिता अपन ये डिस्कस करते हैं ठीक है, पहले मैं तुम्हारा ये खत्म कर दूं टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस एंड फेलिंग्स जो है दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ठीक है। लक्षिका बोल रही है कैपेसिटी टू लर्न खत्म हो गया, क्या बात कर रही है, ऊपर CH2+ होगा आकाश। चलो ठीक है मैं नेक्स्ट इसमें ड्रॉ करता हूँ देखते हैं ठीक है। सिल्वर मिरर है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक में, कीटोन को नहीं कर पाता ठीक है ना। मोटा मोटी एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएशन है लेकिन इसकी एक पूरी लिस्ट है ठीक है, कि कौन टॉलेंस पॉजिटिव देगा, कौन फेलिंग्स पॉजिटिव देगा, कौन नहीं देगा ठीक है। थोड़े से रिएक्शन और बाकी है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अभी क्या बोल रहा है शांतिमय, रेक्स देख ली प्लीज, रिएक्शन देख लू
RCHO plus अमोनिया का सिल्वर 5OH माइनस सिल्वर मिरर 4H2O 4 अमोनिया। ठीक है यार ये रिएक्शन में मत पढ़ो, बस इतना याद रखो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगा साथ में यहाँ पे सिल्वर का प्रेसिपिटेट होगा और ये केस में आपको साथ में कॉपर का प्रेसिपिटेट होगा, बस ये ध्यान रखना है। सिल्वर मिरर इज सिल्वर का प्रेसिपिटेट एंड रेड कलर का प्रेसिपिटेट इज कॉपर का प्रेसिपिटेट। अर्चिता का डांसिंग रेजोनेंस जाने रहा भाई, डांसिंग रेजोनेंस देखो कैसा होगा इसमें, इसमें है क्या डांसिंग रेजोनेंस? आकाश अर्चिता एकदम पीछे पड़ गई भाई डांसिंग रेजोनेंस के, होल्ड करो। अच्छा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन में, अच्छा ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने वाला पार्ट, ओके ठीक है एक सेकेंड होल्ड करो। करेक्ट नहीं है स्ट्रक्चर, गलत बनाया मैंने, डांसिंग रेजोनेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो प्लस चार्ज है प्लस चार्ज शिफ्ट होते रहता है। अब कहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ड्यू टू हाई स्टेरिक ये जो एंगल स्ट्रेन जो है ना, ठीक है, स्ट्रेन के चलते रिंग खुल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसमें दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि वापस रिंग फॉर्म हो जाएगा और ये दूसरी साइड से खुलेगा, ये दूसरी साइड मेरे पीछे छुप गया, तो यहां पे दूसरा क्या होगा, दूसरा केस This is dancing resonance. So delocalization of electron in the ring, formation of carbocation and double bond character and delocalization of electron in the ring. ठीक है, so this is dancing resonance. अब इसमें मैं क्या बताऊँ, बताओ अर्चिता, ठीक है, बैटरी चार्ज होने में टाइम लगेगा, आज जल्दी सो जाऊंगा, हाँ हाँ कल सुबह, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, कल सुबह का सेशन है अपना इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी बस जल्दी से खत्म करते हैं। कितना है टोलेंस आ गए, बस उल्मान लास्ट, उल्मान बताओ जरा क्या था, अरे नहीं विलियमसन सिंथेसिस भी है, उल्मान है विलियमसन सिंथेसिस वुल्फ-किशनर वुड्स, चार रिएक्शन है, ठीक है। चलो उल्मान पे आते हैं जल्दी जल्दी, उल्मान तो सबको पता है क्लोरोबेंजीन है, जिंक कॉपर के प्रेजेंस में कपलिंग होगा एंड यू विल गेट डाइफिनाइल रिंग, बराबर है, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा लगता हूँ, ठीक है शर्मा थैंक यू सो मच। अर्चिता बोल रही है ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं, नीट के लिए कोई जरूरत नहीं, ये सब जेई वाला आइटम है, ठीक है, क्लास में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कुछ देना पड़ता है ना, अगर सब लोग जवाब दे देंगे कि सब चीज़ों के बारे में तो माहौल कैसे बनाया जाएगा, तो ये सब तरीके से माहौल बनाया जाएगा। उल्मन में फॉर्मेशन ऑफ डाई एंजीन फ्रॉम अराइल हैलाइड प्लस कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, बराबर है, कॉपर होगा, देखिए कॉपर और
हीट होगा, जिंक भी अब यहाँ पे बोल रही है लक्षिका, मैं तो तब से कॉपर ही बोल रहा हूँ। डांसिंग रेजोनेंस को सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर आ गया नहीं सर, प्रदाम अनुज का कमेंट कहाँ खो गया भाई, अनुज का कमेंट भाई आंखें अब देख नहीं पा रही। ठीक है अनुज, कमेंट तेरा सर हाय आई एम हियर, इतना ही कमेंट दिखा मुझे, जो भी कमेंट है वापस डाल दे। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस बताओ भाई, नीट 1 अगस्त को हो जाएगा नहीं होगा काविन, आयोडो बेंजीन होगा ये बात। प्लस तुमको CuI2 मिलेगा बराबर, यस ईथर फॉर्मेशन बहुत बढ़िया। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास एक RO- ग्रुप है, RX पे अटैक करता है, X छोड़ के भाग जाता है, ROR मिलता है। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बराबर है, RONA ले लो। ठीक है डन, SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म से कहानी आगे बढ़ेगी, विलियमसन सिंथेसिस। वुल्फ किशनर पे आ जाए, कीटोन या एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन N2H4OH- क्या फॉर्म करेगा, RCH2R- फॉर फेस सेंसिटिव, फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप्स वी प्रिफर क्लेमेंसन रिडक्शन, सही बात है। और बाय द वे NO2 को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बोर्शा बोल रही अब खत्म करो, एनर्जी खत्म हो गया, बस हो गया भाई मेरा भी खत्म हो गया, एकदम ऐसा टिक 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 ऐसा हो रहा है। वुड्स रिएक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। KOH इथिलीन ग्लाइकोल भुवनेश्वर को याद आ रहा है, ऑर्गेनिक के थैंक यू सो मच RC क्लब, लेकिन यार क्या बोलूं आज तो तू मेरे को एकदम जीरो एनर्जी मोड में देख रहा है, तू मॉर्निंग में पक्का से आना, ठीक है मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है। KOH इथिलीन, अच्छा इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे साथ में नहीं, ठीक है चल तेरी मर्जी, इथिलीन ग्लाइकोल को भी अपन ने एज अ सॉल्वेंट ले लिया, डन। अभी लेकिन इथिलीन ग्लाइकोल अपन यहाँ पे डालेंगे शांति मोए, तेरे को ये नहीं लग रहा यहाँ पे कीटल फॉर्मेशन हो जाएगा, पता सोचना इसके बारे में शांति मोए, तेरे लिए ही है इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे कीटोन का कीटल तो नहीं बना देगा, सोच के बताना कल बात करेंगे। सोडियम ड्राई ईथर फाइनली लास्ट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर क्या मिलेगा, कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे कपलिंग मिलेगा, RX में जब आप दो सोडियम एटम डालोगे, दो सोडियम एटम दो सोडियम आयन में कन्वर्ट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, RX बॉन्ड को दो इलेक्ट्रॉन तोड़ देंगे, किसमें R- + X- में, एंड दिस R- विल अटैक अनदर RX, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोडक्ट विल बी RR। अनुज बोल रहा है सर ने मुझे भाव नहीं दिया, अरे भाई पूरा भाव दे रहा हूं तुझे कब भाव नहीं देता भाई, तू अलग दे पड़ रही है अभी। अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, बंगाली बुक में ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तू बस एक बार देख लेना, ठीक है मैं जो बोला वो देख लेना। टेलीग्राम का लिंक बता दो भाई स्वस्तिक प्लीज, जितने भी लोग यहाँ पे हैं इनको टेलीग्राम का लिंक बता दो, रात में आए हैं सुबह तो पक्का से आएंगे। मॉर्निंग कल 10 AM का जो सेशन है, ठीक है। दिस वॉज वुड्स रिएक्शन,
अरे वुड्स किए तो वुड्स फिटिंग भी कर लेते हैं ना यार, एक मिनट, वुड्स फिटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, फिटिंग में दोनों साइक्लिक वो मिल जाते हैं, ठीक है, वुड्स में एलिफेटिक मिल जाते हैं, तो वुड्स फिटिंग में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों मिल जाते हैं, सोडियम ड्राई इथर आर, ठीक है, डन, पीडीएफ मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। सर एनटीए में मेरा रिलेटिव है तो अनुज पेपर मंगवाएगा क्या? फिटिंग में बाय फिनाइल आएगा, करेक्ट भुवनेश्वर, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। अब आप में से जिन जिन का कुछ और रिएक्शंस याद आ रहे हैं जो मिसिंग है, मैं पीडीएफ में दो तीन खाली पेज डाल के भेजूंगा, ठीक है, लगे तो प्रिंट आउट कर लेना, चार पेज खाली भेजूंगा उसमें डाल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच लक्षिका, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, ठीक है, मेरे से ज़्यादा एफर्ट तो तुमने मारा आज। स्क्रीनशॉट, हाँ भाई, स्क्रीनशॉट के पहले कल का टाइमिंग लिख देते हैं, कल मॉर्निंग 10 AM को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्विज है, ठीक है। अब ये किसके लिए? ये सब 2021 के लिए है, ठीक है। और कल 3 PM को केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो रहा है, किसके लिए? दिस विल बी स्टार्टिंग फॉर 2022 एंड 2023, ठीक है। रात के बजे है 12:06, आप लोगों का स्वागत है मुंबई के इस ऑसम रेडियो स्टेशन पे, अन अकेडमी के इस ऑसम केमिस्ट्री क्लास में। मैं आपसे मिलूंगा कल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जल्दी लिया ना स्वस्तिक, मैं आपसे मिलूंगा कल, ठीक है। दे तो दिया, ठीक है, ऐसा देता हूँ आज, ऐसा देता हूँ, यस यस। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, ठीक है। मुंबई सोता नहीं है तो अब क्या घूमने निकला जाए? पुलिस पकड़ रही है, 188 लगाए मुंबई में, ठीक है, एक दिन बाहर निकला था पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा नीट की डेट 15 डेज में आएंगी, तो देख अनुज, नीट की डेज 15 15 डेज बाद अगर नीट का डेट आता है, ठीक है, 15 जुलाई को, तो उसके बाद उनको कम से कम 15 to 20 डेज लगेगा एग्जाम लेने के लिए, तो 15 अगस्त तक होगा नीट का एग्जाम, ठीक है। एंटरटेन अभी क्या एंटरटेन करें भाई, इतना तो एंटरटेन तुम्हारा वो जो तुम बोलते थे माइंड में वो नहीं, नहीं 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 कुछ प्लीज 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 कोई वाला, अरे जो भी हाँ भाई, माइंड मैप्स ऑफ फिजिकल करेंगे अपन, ठीक है। स्वास्थ्य पूछो वो सर बहुत एक्टिंग करते थे, नहीं, बहुत वैसे आवाज की अरे कोई दुनिया में वाला, सबको पता है क्या है, अरे रुको चलो प्लीज 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 नहीं, चलो भाई। सोने का टाइम हो चुका है। मुंह में नहीं आने दूंगी, चल अभी आके दिखा। अच्छा हाँ हाँ नहीं भाई, सच राम बता राम 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 दीपांशु, हर्षिता हंस रही है, नहीं नहीं समझ आने गया दूंगी सच क्या, में एक्टिंग करके दिखाओ। अच्छा कोई कौन ना अंदर सा? आने अच्छा यार, अब उसको देखो, अभी रूबी को कैसा गलत टाइम पे रूम में एंटर कर गई, ठीक है। चलो बाकी लोग गुड नाइट, ठीक है, और जिन जिन को एक्टिंग देख रहे हैं तो कहानी बताता हूँ होता क्या था बचपन में अपने यहाँ ना, गणपति जहाँ पे, अब महाराष्ट्र में क्या है, हर जगह गणपति बैठते हैं, तो गणपति बैठते, तो अभी हम लोग तो लुक्खे लोग थे, तो लुक्खे लोग क्या हो जाता था, सब लोग गणपति मंडल में पहुंच जाते थे, शाम के 7 बजे गणपति के मंडल में पहुंच जाते थे, ठीक है, चिल्लर पार्टी पूरी की पूरी, और फिर वहां पे ना हम लोगों को शौक था, ठीक है, मेरा शौक सबसे खतरनाक ये था कि जो है ना, एक माइक मिलता था वहां पे, माइक लगा रहता था, स्पीकर लगा रहता था, और आसपास में मोहल्ले के सब लोगों को बुलाना होता था कि भैया क्या होने वाला है, ये गणपति की आरती शुरू होने वाली है, तो सबको बुलाया जाए, तो अब बुलाने का भी तरीका होता था, ठीक है। अब मैं हूँ यवतमाल से, तो यवतमाल का वो जो मंडल है, तो उसमें कैसा बोलने का तरीका जो होता था, बचपन से वैसे ही तरीके से बोलते आए, ठीक है, तो तरीका ये था, अर्जुन गणेश उत्सव मंडल यवतमाल, सर्व भाविक भक्तांना नम्र विनंती आहे कि लवकरात लवकर गणपती उत्सव मंडळात पधारावे, कारण की आरतीची वेळ झालेली आहे,
आरतीची वेळ झालेली आहे. अर्जुन गणेशोत्सव मंडळ यवतमाळ. तो ये था. ठीक है, हो गया, तुझे खुशी मिल गई रूबी. चलो अच्छा, इसका इसका हिंदी मतलब क्या है मैं बता देता हूँ. अर्जुन गणेश उत्सव मंडल, यवतमाल का जो अर्जुन गणेश उत्सव मंडल था, उसमें सब लोगों को आरती के लिए बुलाया जा रहा है, तो सब भाविक भक्त जल्दी से जल्दी आए. तो ठीक है, तो दैट्स हाउ. कल सुबह 10 बजे यहाँ पे होने वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे क्विज. तो सभी केमिस्ट्री के भक्तों का स्वागत है कल सुबह 10 बजे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो 30 डेज में 30 चैप्टर्स का कल क्विज होगा सुबह 10 बजे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. एनर्जी आज पूरी खत्म हो गई थी, बैटरी चार्ज हो गई. चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. बाय, गुड नाइट, टेक केयर. कल सुबह मिलेंगे 10 बजे. ठीक है, गुड नाइट.